हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज असम सिविल। व्यूअर्स, आज मैं आपको एक खूबसूरत घर का जो है वॉक थ्रो दिखाता हूँ लेटस से, एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सपोर्ट टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। ऑल क्रेडिट गोज टू द आर्किटेक्ट एंड द इंजीनियर ऑफ दिस हाउस हु हैज कंस्ट्रक्टेड ये सेपरेट टैंक स्टेयरकेस और साउथ फेसिंग का घर। एंट्रेंस जो है नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट कॉर्नर की तरफ से मेन डोर दिया गया। यहाँ पे गेट साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ से जो है स्टेरकेस एंड उसके पीछे नीचे जो है सेपरेट टैंक। लेट अस एंटर इन टू द हाउस। इसके अंदर जो है दो बेडरूम, यहाँ पे एक सिट आउट है, उसके अलावा और एक भी बेडरूम है यहाँ पर, मतलब किचन बनेगा, एक छोटा सा डाइनिंग रूम या फिर आप कह सकते हो उसे प्रेयर रूम। 9x15 इंच का कॉलम लिया गया और 16mm का 8 रॉड इस्तेमाल किया गया। आप चाहे तो 16mm का 4 और 12mm का 4 रॉड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बीम और बीम दिखेगा, लिविंग स्लैब 1 फीट का बीम लिया हुआ है और 5 इंच अप्रॉक्सीमेट जो है 5 इंच का जो है स्लैब का थिकनेस लिया हुआ है। 9x9 इंच ऐसा जो है 15 इंच। यहाँ से मेन एंट्रेंस एंटर होने से पहले यहाँ पर इस तरीके का स्टेप्स इस तरह से लिया गया। ये बीम जो रहता है ना, बीम से भी नीचे आया है इसका स्टेप्स। ओके, विंडोज़ हो या फिर मेन एंट्रेंस इनटू द डोर स्टैंडर्ड लिया गया। और कोई मेहमान आए आपके घर के अंदर तो उनको एक सेपरेट सिट आउट, जेंट्स पर्पोज हो या फिर लेडीज़ पर्पोज, सेपरेट सिट आउट एंड विंडोज़ का साइज़ अप्रोक्सीमेट 6x4 फीट स्टैंडर्ड साइज़। रूम हाइट भी जो है 11 फीट लिया हुआ है। ओके, एक स्टैंडर्ड आपको मैं सिट आउट दिखाता हूँ। लेट अस सी, ये सिट आउट अप्रोक्सीमेट 12x13 फीट और हॉल के अंदर जाने के लिए भी एक डोर दिया हुआ है। सो व्यूअर, जब भी आप सिंगल ब्रिक यूज करते हैं तो आपको इस तरह से दिखेगा। सो इस तरह से देखने से थोड़ा सा लुक वाइज देखे तो थोड़ा सा सही नहीं दिखता है, तो आप चाहे तो 9 इंच का ही ले सकते हैं रूम घर के अंदर भी। ओके, ताकि आपको हॉल और सिट आउट में इसका वॉल ना दिख सके। प्लेन दिखना है तो ऐसा करना पड़ता। सो यहाँ से एंटर करें अपन, एक लोबी की तरह आप मान सकते हैं। ये आपका हॉल, हॉल के अंदर एक बड़ा सा विंडो, ये जो विड्थ की बात करें तो 12 फीट, लंबाई की बात करें तो 20 फीट, सामने की तरफ 1 वॉशरूम के जैसा भी बना सकते हैं आप, जैसा किचन, किचन के बाद हैंड वॉश, लेग वॉश या फिर कपड़ा वॉश करने के लिए, जब एक छोटा सा स्टोर रूम के जैसा भी। ओके, ये सिट आउट था। इधर जो है किचन, किचन में एक डोर जिसका साइज 3 फुट और ऊपर लिंटल, एल शेप में लिंटल लिया हुआ है, वहाँ पे स्टोर के लिए भी सफिशिएंट जगह है। ओके, दो विंडो ताकि नेचुरल एयर सर्कुलेशन कंटिन्यूस रहना, बट यहाँ पर वेंटिलेटर नहीं लिया गया, बिकॉज सपोज आप सीलिंग बनाए समझो तो वेंटिलेटर आने से वो चुप जाएगा, कवर अप हो जाता है। एंड इधर शेल्व्स बना सकते हैं, इस तरफ शेल्व्स। अब मैं आपको वापस लेके चलूँगा, एक यूटिलिटी के जैसा बनाएगा स्टोर रूम। ओके, तो ये हॉल था इतना बड़ा सा। एंड नेक्स्ट इधर एक कॉमन टॉयलेट रूम, उधर एक बेडरूम, यहाँ पे एक बेडरूम। लेट सेंटर, यहाँ पे बेडरूम, जिसका अप्रोक्सीमेट साइज 12x14 फीट एंड इसकी तरफ लिंटल, इनर लोफ्ट लिया हुआ है। और पूरे घर के अंदर आउटर वॉल 9 इंच और इनर वॉल जो है ब्रिक वर्क के बदले 7-6 इंच का इस्तेमाल किया हुआ है ऐसा।
चलिए मैं आपको और एक दूसरा वाला बेडरूम में लेके चलता हूँ, लेट अस सी। यहाँ से ही है इसका एंट्रेंस, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ बेडरूम, जिसका साइज भी सेम एज यूजुअल। एंड विद अटैच टॉयलेट एंड बाथ। और सपोज आपको आम खाना है तो यहाँ से ही हाथ करने के बाद आम मिल जाएगा आपको खाने के लिए भी, तो अच्छा सुविधा भी है। मगर कच्चा है, पका हुआ रहते तो खा लेते थे। ये अटैच टॉयलेट एंड बाथ यहाँ पर इस रूम के लिए। रूम हाइट स्टैंडर्ड लीजिए आप। रूम हाइट स्टैंडर्ड लेने से ही आपको सीलिंग बनाने के बाद भी ऐसा डाउनल में नहीं दिखता है, पूरा अच्छा सा एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन के द्वारा बनाया गया। वो 1 फीट ये 15 इंच का लिया हुआ है, वो 9 इंच रहा था 15, 1 फीट का लिया हुआ है। सो एक अच्छा स्टैंडर्ड एक गुड इंजीनियर को देना ज़रूरी है। ओके तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। हैव ग्रेट डे।